जंगल टपरी गांव है और भी अन्य गांव है, उधर दिखाइए एक नाव जो है, हम लोग नाव से पलायन कर रहे हैं और उधर भी नाव से लोग जो है पलायन कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से इन लोगों को, जिस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, हर साल ये लोग जो है इन समस्याओं से जूझते हैं। अच्छा दादाजी, ये बताइए कि कोई अधिकारी आपके गांव आया हाल चाल जानने के लिए? वैसे देख देख लो तो यार, कुछ मिलता नहीं है? कुछ नहीं मिलता। कुछ ऐसे मुआवजा वगैरह मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला। काल पूरी यही रहते उड़ी उड़ी आए थे। काल यही तो चटनी पूरी आई थी कि सब्जी पूरी? अच्छा, आपको मिला था कि नहीं मिला था? अच्छा, ये बताइए आप कहाँ रहती हो, नाम बताओ पहले। एक तो नाव में बैठे हैं तो डर भी लग रहा है। नहीं डराओ ना, कोई डर नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या नाम है? संगीता। एक पांव फिर रख ली, एक रख ले नीचे, एक नीचे रख ले, बस ऐसे पटिया पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ, इसे पढ़ाई करने जाती हो कि नहीं? तुमको पकड़े रहे हम, डर भी लग रहा है। और ये बताओ, जैसे गाँव में कोई अधिकारी वहाँ तक पहुँच पाता है या फिर यहीं तक आता है? नाव से नहीं जाते। ये लोग कौन से, कौन लोग हैं वहाँ पे जो उस नाव में दिख रहे हैं? अधिकारी लोग हैं। अधिकारी लोग हैं, कौन है यहाँ पे? देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि दूसरे जो नाव उधर से गांव की तरफ से आ रहा है, पलायन कर रहे हैं। ये जो है बाढ़ राहत के हैं लोग, इधर काटे उधर, बाढ़ राहत के लोग हैं ये लोग। हाँ, बाढ़ राहत। अच्छा क्या क्या अभी सुविधाएं मिल पाई हैं आप लोगों को दादाजी? क्या क्या सुविधाएं मिल पाई अभी तक? कुछ नहीं मिला है। तो अभी तक जैसे कि राहत सामग्री जो मिल रही है बाढ़ राहत की तरफ से, वो भी नहीं मिल पाई आपको? कुछ नहीं मिला। कोई अधिकारी यहाँ पे आया? अधिकारी ये बाढ़ राहत के अधिकारी है, गांव तक पहुंचते हैं ये लोग? एकदम नीचे ना निकल लिए है, तो नदी पर जाते हैं। अच्छा, हम गांव पहुंचते हैं और गांव में स्थिति जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से लोग वहां पे खाना खा रहे हैं, कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है, कैसी जो है सब्जी राशन वाली व्यवस्था है। तब तक के लिए जुड़े रहिए, लगातार आपको दिखाते हैं बाढ़ क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट। क्योंकि गांव में पहुंचना इतना आसान नहीं है और लोगों से बात करना इतना आसान नहीं है। 20 मिनट लगता है नाव से उतरकर गांव में पहुंचे, लेकिन ये सिर्फ आप जहां देख रहे हैं, रोड जो बनी ना होती तो यहां पर भी पानी भरा रहता है और यहां पर भी पानी आ जाता होगा। और हर रोड पे पानी, घर दिखाते हैं कि घरों के अंदर जो है पानी भरा हुआ है और इनको अभी तक आवास भी नहीं मिला है। आवास मिला होता तो जो है छत के ऊपर भी रह सकती थी, खाना बना सकती थी। और ये देखिए घर के अंदर इतना छोटा एक मोहरा है आपका, निकल जाएंगे। ये घर के अंदर देखिए कि बिस्तर पहले घुस सकते हैं। हाँ, लड़का पहले भीड़ लगा चलते हैं। खाना कहाँ बनाती है? कंटी है, बढ़िया हर से देखकर बनाए तो सर। हमका गैस मिले ना, हमका गैस नहीं है, लकड़ियों पे खाना बनाती है। कंटी से खाना बनाओ ना, हमका गैस मिले ना, हमका काल नहीं मिले। क्या नाम है दादी आपका? वृंदा। अच्छा ये बताइए, बच्चे कितने हैं आप? परिवार लेकर के सबको लगी किसी में रहती हो? चार नंदे तीन बुढ़िया हैं, हमारे पास खर्चा है, हमका मिला, हमका कुछ ना है। तो कोई आता है यहाँ पर आप लोगों के हाल चाल? बाहर बाहर निकलते आते हैं, सबको उधर लेते हैं, हमको कुछ ना मिलता। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और पानी में इनका बिस्तर भी लगा हुआ है, पूरे घर के अंदर तालाब बन गया है, तालाब। अब ये कहाँ खाएं और कहाँ बैठे, कहाँ नहाए और जो है कहाँ पे जो है अपना जो है सुरक्षित सामान भी रखे। अब देख सकते हैं कि समस्याओं से लोग गुजर रहे हैं। हमारे किनारे होते हैं तेज बोलो, खाना वाना नहीं लगा था। खाना अच्छा बनाई थी कि नहीं बनाई थी? अच्छा बनाई हो, बाप के नाम बता दो। अच्छा ये बताओ, मशीन वशीन रखी हो? कपड़ा वपड़ा सिल लेती हूँ, कपड़ा पढ़ाई वढ़ाई करने जाती हूँ कि नहीं? पढ़ाई शादी होगी ना? अच्छा ये बताओ कि जैसे ये जो पैसा इससे इकट्ठा करती है कपड़ा वपड़ा सिल करके, तो उससे परिवार चलता है? परिवार चलाती। अच्छा ये देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की जो है समस्या है और कैसे जो है जीवन यापन कर रहे हैं। और भी कई ऐसे घर हैं, अगर हम आपको दिखाते रहें तो शायद ही समय नहीं बचेगा, समय बचेगा ही नहीं दिखाने के लिए। और
हमारे हमारे गांव में कहीं देख ली थी। दिखाए हैं करीब, दादाजी ने बताया 36 गांव ऐसे हैं जितने भी घाघरा नदी के जो है नजदीक गांव हैं। इधर दिखाइए जरा, इधर दिखाइए, जो थोड़ी थोड़ी जगह अगर थोड़ी ऊंची है जहां पर ये लोग मिट्टी पहले से पाट रखे हैं, ऊंचा है, वहीं पर ये अपना जो है पूरी व्यवस्था कर रखे हैं, चाहे खाना जो है बनाना हो, चाहे वो सारा सामान सुरक्षित रखना हो, सारी व्यवस्था जो है उसी चीज वहीं पर किए हुए हैं। लेकिन अभी तक अधिकारी क्या सो रहे, 3 दिन से जो भयंकर बरसात हो रही है, अधिकारी क्या जो है एसी में पड़े सो रहे हैं, एक बार भी हाल चाल जानने जो है इन लोगों का पहुंचे हैं। सरकार जो पैसा दे रही है, जो बाढ़ राहत के लिए जो पैसा दे रही है, आखिर वो पैसा इन तक नहीं पहुंच पा रहा है, इन तक कोई सामान नहीं पहुंच पा रहा है, तो कहां जा रहा है वो पैसा, आखिर वो जा कहां रहा है पैसा। बच्चों तुम स्कूल जाते हो तुम लोग? तो अभी कितने दिन से नहीं जा रहा, अभी तो खैर पानी वानी भरा है ना, अच्छा बच्चों का भविष्य भी जो है अंधेरे में है। इस तरीके से बाढ़ आती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में है। स्वास्थ्य व्यवस्था दादा कैसी है, डॉक्टर वगैरह है यहाँ पे आए कि नहीं? अच्छा तो खाना पानी भरा गया, देख ही रहे हैं कि पानी जो है कैमरा में सब कैद हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सारे जो है घरों में पानी अभी तक मिल रहा है, और ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर जो है पानी जो है घरों के अंदर घुस गया है। कुछ लोग तखत पर खाना बनाते हैं, और जिनके पक्के बने हुए हैं थोड़े बहुत, वो पक्के घरों पे खाना बनाते हैं। अब किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, अगर अधिकारी नहीं सुन पा रहे हैं तो शर्म है उन अधिकारियों को। मैं कहना चाहती हूँ, चाहे भले ही मेरे पे ऊपर मुकदमा लिखा दीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आम जनता की समस्या को दिखाकर ही रहूंगी। ग्राउंड रिपोर्ट में लगातार मैं आपको दिखाती हूँ, जमीनी स्तर से जुड़ी हर खबर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जब तक ये लोग सुरक्षित, जब तक ये लोग अच्छे से नहीं रह पाएंगे, अधिकारियों को क्या सुकून मिल पाएगा? हाँ हाँ, ये है कि आप नशे में जा करके, आप आराम से एसी में बैठ करके, इन लोगों का हाल चाल ना जान करके आराम से एसी में बैठते हैं। कम से कम एक बार आइए, इन छोटे छोटे बच्चों का हाल चाल जानिए। स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर डॉक्टर को रखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था जब अच्छी होगी तभी इनका अच्छा इलाज हो पाएगा। अभी ये जब पानी जब निकलेगा, अभी तो फिलहाल पानी बढ़ रहा है, लेकिन जब ये पानी निकल करके जो है ये सूखा हो जाएगा, तो सोचिए अनेकों प्रकार की बीमारियां जो है उत्पन्न होंगी। सही कह रहे हैं कि नहीं? बहुत बीमारियां होंगी जी, बहुत जानवर भी बीमार होंगे। अच्छा ये बताइए, अधिकारी अभी मतलब जिला लेवल से तहसील लेवल तक तहसीलदार प्रधान यहाँ के कौन है? प्रधान विनोद मंत्री है, जल सेना प्रमुख, जल सेना प्रमुख भी आते हैं, हाँ जल सेना प्रमुख प्रधान सब का लगा। क्या नाम बताया प्रधान का? उनका नाम विनोद मंत्री, विनोद मंत्री, विनोद मंत्री, उन प्रधान था शांति देवी, शांति देवी। अरे नहीं, लेकिन कोई जो है जनप्रतिनिधि होता है वो आता होगा हाल चाल, प्रधान आते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर प्रधान आते हैं, क्योंकि समस्या में चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो गांव का व्यक्ति हो, समस्या में
में ही पता चल जाता है कि लोग को अगर थोड़ी राहत मिलती तो इन लोगों का जो है मन थोड़ा ऐसा होता है कि हाँ हमें कुछ मिल रहा है। अब जब कोई हाल चाल नहीं लेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, किस तरीके से मासूमियत इनके बच्चों पे जो है चेहरे पे झलक रही है, कम से कम थोड़ी सी भी शर्म करिए और आइए इन लोगों से हाल चाल जानिए और सारी जो व्यवस्थाओं की कमी है वो व्यवस्था करिए। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कैमरामैन राशि के साथ सुनीता।